अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। यकीनन जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। तौहीद तरबियत अमल के महीने के तौर पर रमजान महीने को देखा जाता है, लिहाजा कल जो हादसा किटवाड़ में पेश आया है दिल को छू लेने वाला कह सकते हैं। मैं 17 साल का नौजवान जिसकी जिंदगी की शुरुआत भी अभी नहीं हुई थी, रमजान के महीने में किटवाड़ जाने की कैसे सूझी होगी या उसे मौत वहां ले गई समझ में नहीं आता। कल देर रात तक लाश बरामद नहीं हुई थी, पर आज रेस्क्यू टीम की जानिब से लाश को हासिल किया गया। अब पोस्टमार्टम, नमाज जनाजा, तदफीन वगैरह रसूमात मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पीछे वालिदैन को सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं रहता। आखिर क्या जरूरत थी रमजान के महीने में किटवाड़ जाने की, ऐसी बातें भी कही जा रही है। आज इस वारदात पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब पहले वाला माहौल नहीं रहा। अगर पिछले दौर की बात की जाए तो बच्चे वालिदैन को डरते थे। हमने ऐसे कई खानदान देखे हैं जिनके घरों में बुजुर्गों का वालिदैन का रोब हुआ करता था, यहाँ तक के जमात के जिम्मेदारों के सामने खड़े होने की मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। खैर, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। तहजीब, तमद्दुन, घर में, समाज में, रहन सहन में भी बदलाव आ गया। वालिदैन अब बच्चों को डांटना तक छोड़ दिए, लिहाजा जो आजादी बच्चों को मिल रही है इसका गलत फायदा बच्चे लेते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों के साथ सैर तफरी के लिए अब घरों में बताना भी जरूरी नहीं समझा जाता। पर जिस तरह नौजवानों की मौतें आजकल वाकई हो रही है, कहीं तो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और अगर उमूमन आप अगर जायजा लेंगे तो जिस तरह के दोस्त होते हैं उसी तरह की जहनीयत भी बच्चों की बनती जाती रहती है। भले आप कितने ही घरों में दीनदार या तहजीबी आपदा घरों से ताल्लुक रखने की बात करते हो, लिहाजा अपना लाडला दोस्त किस तरह के अपने अतराप में रखता है इसकी जांच जरूरी है। आजम नगर, वैभव नगर, खंजर गली, अमन नगर, उज्जवल नगर, आजाद नगर और भी दीगर इलाकों में हमने देखा कि कमसीन उम्र के नौजवान नशा और गलत कामों में मुलविस नजर आते हैं। और जब घर वालों से राब्ता करते हैं तो मालूम होता है कि दोस्तों की सोबत ने इसे गलत रास्ते पर आमादा कर दिया है, लेकिन तब तक वक्त निकल जाता है और कुछ तो अपनी जान भी इसी दरमियान गंवा बैठते हैं। कभी जमाने में दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, दोस्ती पर फिल्में ड्रामे बनाए जाते थे, दोस्ती की कस्में खाई जाती थी, कहानियां बनाई जाती थी, लेकिन मौजूदा दौर बहुत ही खतरनाक और नाजुक है। आप बजाय अपने दोस्तों पर भरोसा करने के अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। कमसीन उम्र में बड़ों की बातें अक्सर अच्छी नहीं लगती। वालिदैन अगर नसीहत करते हैं तो इन्हें टॉर्चर करने के बराबर लगता है। अब तो बच्चे खुद वालिदैन का ही मजाक उड़ाते देखने को मिलता है। आपका जमाना, हमारा जमाना, ऐसा मुआजना करने की कोशिश की जाती है। बच्चे नसीहत वालिदैन को करने को आते, लेकिन वालिदैन की नसीहत कभी कभी वक्त गुजर जाने के बाद महसूस हो जाती है। खैर, उजैर तनवीर मुजावर, वैभव नगर के नौजवान की मौत ने एक बार फिर अपने बच्चों पर नजर रखने का पैगाम दिया है। हादसे सबक सिखा जाते हैं, पर उमूमन हम हादसों से, वारदातों से कभी सबक सीखते नजर नहीं आते। रमजान के महीने में 10-12 बच्चों को किटवाड़ जाने की क्या जरूरत थी और घर में खेलने जाने की बात कहकर घरों से निकल गए। और उजैब भी उन्हीं में से था जो घर से निकल तो गया कभी दोबारा वापस ना आने के लिए। बच्चों को वालिदैन की कैफियत का अंदाजा नहीं रहता। जैसे हमने ऊपर कहा कि दोस्ती में झूठ, गलत, सही जो भी करो मजा आता है, लेकिन जब हादसा पेश आता है तो इसकी बड़ी कीमत घर वालों को चुकानी पड़ती है। आखिर उन मावों की क्या कैफियत होती होगी, देखते ही देखते घर का एक फर्द अपनी आंखों से ओझल हो जाता है। उस वालिद का क्या हाल जिसने कभी अपने बच्चों को लेकर ख्वाब सजाए होंगे। बच्चों को संजीदगी से सोचने की जरूरत है। किटवाड़ डैम में अब तक 10 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। जब पानी की गहराई या वहां का इल्म न हो तो हिमाकत की जरूरत नहीं होती, लेकिन अंदाजा न होने की वजह से मौत हो जाती है। और जब साथ में बड़े न हो तो खासकर शरारत और भी ज्यादा सूझती है, जिसके नतीजे में इस तरह के हादसे पेश आते हैं। पिछली मरतबा बाशीबन की 4 लड़कियों की मौत हुई थी, न सिर्फ किटवाड़ बल्कि जहां भी इस तरह कुदरती पहाड़, झरने, तालाब, डैम, नदियां होती है, अपने आप को बड़े एहतियात से कुदरत के नजारों का लुत्फ उठाने की कोशिश करें और उस खुदा को याद करें जिसने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया। अगर दुनिया इस तरह की है तो जन्नत कैसे होगी। खैर, सुबह लाश बरामद होने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। चंदगढ़ में पोस्टमार्टम को अंजाम दिया गया। जो भी हो, लेकिन इस तरह की होती वारदातों पर घर में वालिदैन, मोहल्ले की जमात, इदारों को भी लम्हे फिक्र करना होगा। मिल्लत का एक नौजवान इस तरह मौत के हवाले होना भी एक बहुत बड़ा नुकसान के तौर पर ही देख सकते हैं। वैसे मिल्लत के बहुत मसाइल हैं, पर इस तरह नौजवान नस्लों का भी जाया होना
तवज्जो के काबिल है। मौत यकीनन बहाने तलाशती है, पर हम सबको एहतियात बरतना भी ज़रूरी है। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर ज़रूर कमेंट करें। लगा तो अब कुछ अहम खबरों पर एक नजर है। बेलगाम शहर में पीने के पानी की किल्लत को महसूस किया जा रहा है। रमजान के महीने में कुछ जगहों पर हफ्ते में एक बार पानी की बात भी कही जा रही है, तो कुछ जगहों पर 15 दिन का भी वक्फा लिया जा रहा है, तो कुछ जगहों पर टैंकर से पानी की सप्लाई भी जारी है। लिहाजा कारपोरेशन में आने वाले दिनों में बेलगाम जिला सूखा की जद में आ सकता है। पानी की किल्लत का मुकाबला कैसे किया जाए, इस पर LNT और कारपोरेशन महकमा की मीटिंग तलब फरमाई गई थी। इस वक्त पानी सप्लाई करने वाले महकमा ने 15 जुलाई तक पानी सप्लाई का वादा भी करने की बात कही जा रही है। इस वक्त कारपोरेशन कमिश्नर लोकेश भी मौजूद थे। कुछ जगहों पर 15 दिन को एक बार पानी सप्लाई किया जा रहा है। पानी जब छोड़ भी दिया जाता है तो पहले 15 मिनट तक गंदा पानी आता है, हफ्ते में एक बार पानी आता है, लेकिन अफसरान 4 दिन को पानी छोड़ने की बात करते हैं। राकस्कोप में 20 फीट पानी बाकी है। शहर में पुराने 68 कुएं और 100 बोरवेल की बात अफसरान ने बताई है। शहर में कई पुराने कुएं दोबारा जिंदा किए जा रहे हैं। इस बार बेलगाम जिला और खासकर शहर को सूखे का मुकाबला करना होगा। मोहल्ले में पानी को जाया न करने की हिदायत भी इस वक्त महकमा की जानिब से दी गई। बेलगाम शहर और अतराब में गले से जेवरात छीनने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। सुबह घरों के सामने सफाई झाड़ू करने वाली औरतों के गलों से जेवरात खींचकर मोटरसाइकिल से भागने की वारदातें और भी बढ़ चुकी है। कल सदाशिव नगर में खातून को पता पूछने के बहाने मोटरसाइकिल सवार करीब आए और गले से जेवरात छीन कर भाग गए। मामला APMC में दर्ज किया गया है। अब तो चोरों को CCTV का डर भी नजर नहीं आ रहा। बैलोंगल में तो सुबह सैर के लिए गई खातून पर चाकू से हमला कर जेवरात चोरी किए गए। इसी तरह कई लोगों को ट्राई यानी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से फंसाया जा रहा है। लिहाजा बढ़ती वारदातों के मद्देनजर सतर्क रहने का ऐलान पुलिस की जानिब से किया गया। आज बेलगाम में किसानों की जानिब से DC को मुतालबा पेश किया गया, जिसमें MP अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ भी अपनी नाराजगी को दर्ज किया गया। आइए देखते हैं कुछ मंजर। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। संसद अंत केंद्र लोकसभा संसद अंत अनंत कुमार हेगड़े और ಪದೇ ಪದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೋರಿದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕೋಪ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು 2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ FIR ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಕೃತವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗೈತಿ, ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಳಿಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಹಾದಿ ಹೋಗ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೈತ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಥಣಿ ರಾಯಬಾಗದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎಂಟುಗಳಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮನವಿ ಐತೆ ಸಂಬಂಧ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಹರಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ ನೂರು ಮಂದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆದವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್, ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರು ನಾವು ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್?